कौन से ऐसे रिश्ते होंगे मंडली किसके साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ नहीं क्योंकि मंडली आपकी एक अलग ग्रुप है और बाकी भी और भी लोग हैं मंडली में, तो कुछ लोग थे लेकिन कुछ लोग अभी भी अपना अलग ही खेल रहे थे। ओके सबसे पहले तो आपने एक मिसकंसेप्शन और एक बबल पॉप करना चाहूँगी मैं कि हर कोई हर किसी के साथ खेलता है। आप जब 16 लोग होते हैं तो ऐसा इनवेरेबली हो जाता है, आई एम श्योर आपके साथ भी होता होगा। आप अपने ऑफिस में आपकी टीम में बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग होते हैं लेकिन शायद 3 लोग या 4 लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप कनेक्ट करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि ऑफिस में आप सब लोग साथ में नहीं खेल रहे हो, आप खेल रहे हो और अपना काम भी साथ में कर रहे हो लेकिन फ्रेंडशिप एक अलग चीज़ होती है। तो आई थिंक इट्स रियली बैडली यू नो इट्स मिसकंस्ट्रूड कि खेलना नहीं खेलना। मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो अलग अलग कोनों में बैठते थे और शो करते थे कि हमारे मुद्दे हमारे खुद के एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन नॉमिनेशंस वो लोग साथ में डिस्कस करके करते थे। तो दैट एक्चुअली इज कॉल्ड खेलना। जबकि अगर आप मंडली की कभी भी नॉमिनेशन की प्रक्रिया उठा के देखना आपको दिखेगा कि हर इंसान ने अपने पर्सपेक्टिव से लोगों को वोट किया है। You know, especially towards the end, it became so prominent that if I have a problem with one person or two person, और शिव को या सैन को उनको ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो उनके वोट कभी इधर नहीं होते थे। मतलब कभी ऐसा नहीं होता था कि वो हम सब ग्रुप में ऐसे लाइक अब वोट से दैट यू नो वी वुड नॉट फायर बुलेट्स लाइक दैट। सो अगर साथ बैठना 24 घंटे में, आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल कि आप बस एक दूसरे की बुराइयाँ करो या सिर्फ टास्क के बारे में डिस्कस करो। ऑब्वियसली बात है आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बातें करनी है अपनी लाइफ के बारे में, दूसरों की लाइफ के बारे में। यू नो दिस सच अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स टू डिस्कस इन द वर्ल्ड दैट द रिलेटेबिलिटी ऑफ द मंडली केम फ्रॉम दैट कि हम 4 लोग इस घर के अलावा भी अच्छी कॉन्वर्सेशन कर सकें। सो दैट